गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल की अगली टॉपिक ओम का नियम पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम। जर्मन वैज्ञानिक जार्ज साइमन ओम ने सर्वप्रथम किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के संबंध में एक नियम बताया। उस नियम को हम कहते हैं ओम का नियम। ध्यान सुनिएगा, वैज्ञानिक ओम ने विद्युत धारा तथा उसमें उनके सिरों के बीच उद्वांतर के बीच में एक संबंध बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसी को हम लोग भाषा में यहाँ देखिए लिखा गया है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। यह बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, लंबाई हुआ, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से यहाँ क्या दिखाए हैं, ताप में। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम जो चालक लिए हैं उन चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर भी हो, कैपिटल भी हो, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई हो, तो ओम के नियम के अनुसार भी समानुपाती आई या भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आई, या हम लोग इसको लिख सकते हैं भी अपॉन आई बराबर, इसको हम लोग जब इसको हटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, नियतांक। यानी इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं कि दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। ये ध्यान सुनिए, ओम के नियम को एक तरह से और हम लोग बता सकते हैं कि दो सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस नियतांक के जगह पे हमने क्या लिखा है, कैपिटल आर। आर जो है वह जो हम लोग चालक लिए हैं उस चालक का क्या है, प्रतिरोध है। आर एक नियतांक है जिसको हम बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। अब ये जो आर है किसी दिए गए धातु के लिए किसी दिए गए ताप पर चालक का प्रतिरोध है। अब देखिए, इस प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह जो प्रतिरोध होता है वह चालक का एक ऐसा गुण होता है जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। या प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, और इसे ग्रीक भाषा ओमेगा से, ध्यान देने पर बच्चों, इसे ग्रीक भाषा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ग्रीक भाषा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार सुनिए, ये जो आर है वह चालक का प्रतिरोध है, और इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम है, और इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, तो ग्रीक भाषा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओम के नियम के अनुसार यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर बराबर भी अपॉन आई, यदि भी बराबर एक वोल्ट और आई बराबर एक एम्पियर, तो आर बराबर एक ओम। इसका मतलब हो गया कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर एक वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा। एक बार सुनिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर एक वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यदि हम आई की वैल्यू को लिखें, तो क्या हो जाएगा,
आई वैल्यू हो जाएगी वी अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर। अब देखिए इस आई और इस आर में जो रिलेशन है वह वन अपॉन आर के रूप में, यानी आई प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके जो चालक का प्रतिरोध है उनके बीच जो संबंध आ रहा है वह व्युत्क्रमानुपाती का आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल, आई इनवर्स प्रोपोर्शनल वन अपॉन आर, यानी आई और आर में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया यदि हम यदि चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो जो विद्युत धारा की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, आधी हो जाती है। यदि चालक का प्रतिरोध हम दोगुना कर दें तो जो धारा का मान हो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। मैं अभी आपको बताया प्रतिरोध क्या है, तो धारा के मार्ग में एक रुकावट है, एक बाधा है, तो यदि हम प्रतिरोध को बढ़ाते जाएंगे तो जो मेरा आई का मान है वह कम होता जाता है। यहाँ देखिए अगर हम इसको दोगुना कर दें तो आई का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। प्यारे बच्चों इसके आधार पर कहीं कहीं आप देखेंगे व्यवहार में हम विद्युत धारा के मान को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उनके वोल्टेज को बिना परिवर्तित किए, ध्यान सुनिएगा, व्यवहार में हम लोग कहीं देखते होंगे विद्युत धारा के मान को कम करना या अधिक करना होता है तो वोल्टेज में बिना परिवर्तन किए हम प्रतिरोध के मान को घटा करके या बढ़ा करके इस आई के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि हम प्रतिरोध को कम या अधिक करते हैं तो इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। हम लोग आगे इस प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से ये आर मिला, आर क्या है, आर का मात्रक क्या है, आर का प्रतीक क्या है और इस आर का इस आई के साथ रिलेशन क्या होता है। आर के अगर वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आई की वैल्यू कैसे कम होती है, और ये मेरे ख्याल से आपको ये ओम के नियम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओम का नियम क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन, यानी जो हम लोग निकाले थे भी बराबर आई आर या भी अपॉन आई बराबर नियतांक, ये सत्यापित करेंगे कैसे यह सत्य है। और सत्यापित करने के लिए हम एक ग्राफ की सहायता लेंगे और उस ग्राफ में यदि एक सरलरेखीय ग्राफ हमको प्राप्त होती है तो यह सिद्ध होता है, यह ओम के नियम की पुष्टि होती है। अगर एक रेखीय ग्राफ प्राप्त होता है, सरलरेखीय ग्राफ प्राप्त होता है तो इससे ओम के नियम की पुष्टि होती है। मेरे प्यारे बच्चों जो ओम का नियम है, जो ओम का नियम है वह सभी चालकों के लिए सत्य नहीं है, केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। और जो ओम का जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमी चालक या रेखीय चालक कहते हैं। आपको एक फिगर बनाया गया है, इस फिगर से हम लोग समझेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रतिरोध तार लगाया गया है, प्रतिरोध तार जिसको हम लोग चालक बोलते हैं, यह प्रतिरोध तार हो गया और ये अमीटर हो गया जो धारा मापने का काम करता है, कुंजी हो गया, ये बैटरी हो गई, धारा नियंत्रक। मेरे प्यारे बच्चों धारा नियंत्रक होता है जो धारा के मान को बढ़ाता है या नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। और ये धारा नियंत्रक का देखिए ये प्रतीक होता है, कहीं कहीं आपको ऐसे ये ऐसे बना करके और कहीं कहीं ऐसे क्रॉस किया जाता है, ये दोनों जो किसका प्रतीक है तो धारा नियंत्रक का। एनसीईआरटी के पृष्ठ संख्या 225 पर आप देखेंगे कि आपको एक 225 पेज पर आपको कुछ अवयवों के प्रतीक बनाया गया है, तो उस प्रतीक में आपको दिखाया गया है कि धारा नियंत्रक का प्रतीक क्या है, तो धारा नियंत्रक का प्रतीक है। अब देखिए जो ही हम इस कुंजी को ऑन करते हैं तो बैटरी से जो है धारा प्रवाहित होती है, एमीटर में जाती है और एमीटर से हम लोग वोल्ट मीटर इसके पाठ्यांक को नोट कर सकते हैं और पुनः धारा के मान को हम बढ़ाते जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, तो वी अपॉन आई। हम यह देखते हैं जब हम धारा नियंत्रक से धारा के मान को बढ़ाते हैं तो हम अगर मान ये बढ़ाए तो इस जो वोल्ट मीटर है इस वोल्ट मीटर में हम पाठ्यांक को नोट कर लेते हैं और इस विभवांतर जो है आप देखिए यहाँ पर विभवांतर और धारा आई दिखाया गया है, तो जो ही हम धारा के मान को बढ़ाए तो उस समय हम विभवांतर के मान को नोट कर लेते हैं कितना आया, पुनः हमने धारा के मान को बढ़ाया पुनः विभवांतर को नोट किया, पुनः
धारा के मान को बढ़ाया, पुनः विभवांतर में नोट किया। यानी हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर में, अमीटर और वोल्ट मीटर में जब धारा के मान को बढ़ाते हैं तो धारा की वैल्यू को इसमें नोट कर लेते हैं और विभवांतर मान को इसमें नोट कर लेते हैं। और कई बार परीक्षण करने के बाद जब हम यह देखते हैं कि हर कंडीशन में वी अपान आई का जो मान है वह एक नियतांक आता है। कितना आता है? नियतांक आता है। कि हमने वी अपान आई का मान जब निकाला तो ये क्या आया? नियतांक आया। यानी जैसे 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 धारा के मान को बढ़ाया वैसे ही विभवांतर का मान भी बढ़ा। इस पाठ्यांश में नोट करते गए और यहाँ पे हमने जब एक ग्राफ बनाया तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। यह सीधी रेखा दर्शाती है कि ओम के नियम की पुष्टि हो गई। यानी सरलरेखीय ग्राफ से ओम के नियम की क्या होती है? पुष्टि होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कि किसमें ग्राफ खींचा तो धारा आई और विभवांतर भी, यानी अमीटर से किसको नोट किया? धारा के मान को। और वोल्ट मीटर से किसको नोट किया? तो विभवांतर के मान को। और जब उन्होंने धारा आई और विभवांतर वी के मान को नोट करके एक ग्राफ बनाया तो क्या मिला? एक सरलरेखीय ग्राफ मिला जिससे ओम के नियम की पुष्टि होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस फिगर में मैं आपको बताया भी था जो अमीटर होता है कुंजी होती है बैटरी होती है और जो धारा नियंत्रक होता है प्रतिरोध तार जो होता है उन सबको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद मेरे प्यारे बच्चों, ये आप आगे पढ़ाया जाएगा आपको तो उसमें आप ध्यान देंगे कि श्रेणी क्रम क्या है और समांतर क्रम क्या है, किसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब किसी परिपथ को बनाया जाता है तो उस परिपथ में किस अवयव को किस एलिमेंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, कुंजी, अमीटर, प्रतिरोध तार, बैटरी, धारा नियंत्रक, इसको किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में। और मैं आपको पढ़ाया था कि जब विभवांतर के मान को जब विभवांतर के पाठ्यांक को नोट करते हैं तो उसका जो पाठ्यांक नोट करने का जो यंत्र होता है वह वोल्ट मीटर होता है और उसको परिपथ में या चालक के सिरों के बीच उनको जो जिन चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है उनसे किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? तो समांतर क्रम में। देखिए ये सब श्रेणी क्रम में है, किस में है? समांतर क्रम में। मेरे ख्याल से आपको ओम के नियम का सत्यापन मालूम हो गया। हमने क्या किया? हमने जब भी कुंजी को ऑन किया तो बैटरी से धारा प्रवाहित हुई, हमने अमीटर में नोट कर लिया धारा की वैल्यू कितनी है और पुनः इनके बीच का जो विभवांतर था उसको वोल्ट मीटर से नोट कर लिया। और वी और आई में जब ग्राफ बनाया एक बार हमने क्या किया? आई के मान को बढ़ाया तो एक बार वी और आई नोट कर लिया, पुनः आई के मान को बढ़ाया तो वी अपॉन आई नोट कर लिया। या यह भी कह सकते हैं आप लोग, जब हम धारा के मान को बढ़ाए तो कितना आई था बना दिए, आई पर नोट कर लिए, और उस समय कितना वी था इस पर हमने वी नोट कर लिया। पुनः हमने धारा नियंत्रक से किसके मान को बढ़ाया? आई के मान को बढ़ाया तो पुनः ए में नोट कर लिया कितना धारा आया, और पुनः ये नोट कर लिया वी में कितना आया। तो हमने क्या किया, इसमें से चार पांच प्रेक्षण किया और आई और वी में जब ग्राफ खींचा आई के मान के द्वारा और वी के मान के द्वारा जब हमने ग्राफ खींचा तो हमको क्या मिला? एक सीधी रेखा मिली जो है बताती है कि ओम के नियम की पुष्टि। यानी सरलरेखीय ग्राफ हमेशा ओम के नियम की पुष्टि को करता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका ओम के नियम का सत्यापन।